never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. एक नीरज बवाना सब उधेर देंगे, रैप के में डॉन बने सारे इनको छेद देंगे, नाम चले एक नंबर गाड़ी बजे तेज बेटे। अरे जाएगा तो फिर बोर्ड पर ध्यान दे लो, या पढ़ने आ रहा हूँ, फोन चलाने आ रहा हूँ। एक वो किंग अभी तक आया नहीं, एक घंटे लेट आएगा। बोर्ड पर ध्यान दे लो। यू कम इन। सॉरी सॉरी सर, मैं कम इन। ये न सुधरने वाले, आजा साले, एक घंटे लेट ही हमें। किंग साहब जी, आपका बैग। इनका अलग ही चल रहा, कब स्कूल आ कब कोचिंग आ, टाइम से आना नहीं और आगे बैठ जाना चुपचाप ही। तुम कुछ नहीं बन पड़ोगे। पढ़ाई मढ़ाई तो होती रहे, मैं कभी सोचा है 12th के बाद क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, या फिर ऐसे निठल्ले घूमते रहोगे। चलो आज अपना इंट्रोडक्शन दो, हो जाओ शुरू में। ना ज्यादा होशियार ना ज्यादा गधा। हाँ रवि भाई, खड़े हो जाओ, आप ही बताओ क्या है। सर पढ़ने में तो मैं ठीक हूँ और नौकरी तो अपनी लग ही जाएगी, लेकिन पापा चाहते हैं कि मैं वकील बनूं और मम्मी कहती हैं पुलिस वाला। मम्मी मुझे ज्यादा प्यार करती हैं तो मैं पुलिस वाला ही बनूंगा सर। सर नौकरी है तो छोकरी है, फ्यूचर सेट है सर। बेटा कहने से कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, जब बन पाते हैं बेटा। बेटे छोकरी के चक्कर में मत पड़, छोकरियों के चक्कर में कोई सक्सेस नहीं पा पाता, बर्बाद हो जाएगा उनके चक्करों में। रवि गुरु बेटे तू खड़ा हो, तू बता। सर आप जानते हैं माई सेल्फ गुरु। सर ज़्यादा कुछ ना सोच रखा, पढ़ाई में तो ठीक ठाक है, छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, हाई एजुकेशन घर वाले दिला नहीं पाएंगे सर, मिडिल क्लास फैमिली है, कुछ कर लेंगे अच्छा सा। ठीक है बेटा मेहनत कर, तू तो पढ़ाई में होशियार है, तू तो एक ना एक दिन कुछ बन ही जाएगा। सबका इंट्रोडक्शन तो होता ही रहेगा। अरे किंग बेटे आप दो अपना इंट्रोडक्शन, यहाँ के दो यहाँ। ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो, वो कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना, गधा है, यहाँ के दे इंट्रोडक्शन। देखो सर जानते तो मैं सब है ही, आप जानते हो पूरी क्लास जानती, किंग हैं हम और चाची हमारी विधायक हैं। कुछ करने में क्या रखा, कट्टे भर भर के पैसे आ गए घर पे, अब कुछ करना वरना नहीं है, बहुत पैसा है सर। सर कोचिंग में इसलिए आता हूँ, लोंडिया सेट हो गए ना, क्योंकि अनपढ़ लोगों से कौन लोंडिया सेट हो गए, इसलिए कोचिंग पढ़ने आ जाता, उनके बिना जिंदगी सुनी सुनी लग गए ना, है ना लंडो लगती ना। ठीक है सर ये इंट्रो है और कुछ नहीं करना, जा रहे हैं। सोच तो सबकी अच्छी है लेकिन इस किंग की सोच घटिया है, चाची के भरोसे पे जी रहा, पता नहीं इसका क्या होगा आगे चल के। इंट्रोडक्शन डन, मिलते हैं कल, चलो बच्चों। हेलो, हाँ ठीक है काम हो जाएगा, मैंने विधायक चाची से बात कर ली थी, अब ये पैसे डलवा दे काम हो जाएगा। विधायक है चाची यार।
करना पड़ेगा यार भाई, वरना भविष्य में भीख ना मांगनी पड़े भाई। पढ़ना पड़ेगा भाई, अब तो पढ़ूंगा मैं बहुत। हाँ ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है, हाँ पेमेंट आधा पहले लगता है, लेकिन हाँ आधा पेमेंट हो जाएगा, दो दिन में ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ठीक है। हाँ राजू जी, सर 200 उसका ऑर्डर आया है, 200 बनारस का, वो कंप्लीट करा देना दो दिन में। ठीक है, आधा पेमेंट आ जाएगा शाम तक। गुरुजी थोड़ा बाहर आई, मुझे मिल रहा था आपके घर के बाहर खड़ा था मैं। ओके गुरुजी प्रणाम। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बस बस बेटा, बस बस गुरुजी। और गुरुजी आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया है मेरे हालात, तू बता लाइफ में क्या सब सही चल रहा है कि ना? ज़्यादा कुछ नहीं गुरुजी, एक छोटी सी जॉब मिली है इंजीनियरिंग डिप्लोमा करके, और छोटा सा एक बिजनेस का फाउंडर हूँ। आपकी पढ़ाई से कुछ तो हुआ है बेटे? पढ़ाई करना जरूरी है, मुझे अच्छा लगा कि तू मुझे याद करने आ गया आज इधर। गुरुजी मैं तो समझ गया था कि शिक्षा का राज, सक्सेस का राज ही शिक्षा है, तो पढ़ना पड़ेगा। गुरुजी सही बात तो ये है कि सक्सेस का राज तो शिक्षा ही है, वो मैंने पाई और सक्सेस पा ली, बस आपकी कृपा है। चलते गुरुजी फिर मिलते हैं। बस बस क्या क्या करना पड़ता, अगर उस टाइम मैंने पढ़ लिया होता तो आज ये प्रेस नहीं करनी होती। सर कहते थे पढ़ ले, लेकिन मैंने पढ़ाई कम की। छोटे भाई तू तो पढ़ ले, बनना मेरी तरह, बनना तो चाहता था पुलिस वाला लेकिन बन गया प्रेस वाला। सर नौकरी है तो छोकरी है, फ्यूचर सेट है सर। अरे सर नमस्ते। सर नमस्ते बेटा, नमस्ते। क्यों बेटा, बोला था ना पढ़ाई के बारे में, तेरे भविष्य के बारे में, आज तो प्रेस करता फिर रिया। हाँ सर आप सही कहते थे, मेरा वो पुलिस वाला ख्वाब ख्वाब ही रह गया, और आज ये करना पड़ रहा है मुझे। क्या पुलिस वाला बनने का ख्वाब ही रह गया तेरा, अब करता फिर रहा ना प्रेस? मैंने अपनी किस्मत खुद बिगाड़ ली सर, ये करना पड़ रहा है आज। बेटा अगर दो बातें सुन लेता ना तो आज इधर कुछ कर रहा ना होता, आज कुछ अपना पुलिस वाला बन जाता। ख्वाब देखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ख्वाब देखने से सपने पूरे नहीं होते बेटा। यार ये तो मेरा स्टूडेंट है, ये क्या कर रहा? पहला क्यों सर जी, पहला क्यों? कहा था बेटे पढ़ ले, या काम कर रही है दिख रही है? मैंने कहा था ना पढ़ ले, अब देख ला करवा दिया नहीं, मेरी नाक कटवा दी तूने। मुझे बेटा पूरा यकीन था तू मेरी नाक कटवाएगा, अब कहाँ गई तेरी विधायक चाची, कहाँ गई? अरे सर आप सही कहते थे, अब कुछ नहीं रहा, पढ़े बिना कुछ भी नहीं है। आज मुझे देखो, क्या बताऊँ सर जी, रही बात विधायक चाची की,
बताता हूँ मैं, फ्लैशबैक में चलिए। हेलो, प्रॉपर्टी गई, चाची विधायक का चुनाव हार गई है। क्या क्या रॉयल स्टाइल में रॉयल पर्सनालिटी व्हाट थी। यही हुआ था, एक फोन कॉल ने मेरे जिंदगी का पजामा कर दिया। पहले पढ़ लिया होता ना तो आज यहाँ कुछ काम कर रहा ना होता, उस गुरु के जैसे बिजनेसमैन बन जाता आज। भुगतो बेटा अपनी करनी का फल, मैं तो चला। एक नंबर गाड़ी बजे तेज बेटे रियल रहा सीन में और बंदे सारे फेक।